दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ योगी सरकार के कई मंत्री इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब तक 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने योगी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी में सदस्यता ली है या फिर कुछ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने एक खुला खत लिखा है, एक ओपन लेटर लिखा है। उस खत में क्या है, उस ओपन लेटर में मौलाना साहब ने क्या अपील किया है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि मैं रजी अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर वॉइस इंडिया। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने लिखा है कि आप सिर्फ उन सीटों पर अपनी ताकत खर्च करें जहां कामयाबी का यकीन हो, बाकी सीटों पर आप गठबंधन के लिए अपील कर दें। मेरे ख्याल से इससे आपकी मकबूलियत और आप पर एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े जिस पर जीतने की चांसेस ज़्यादा हो, जिस पर ना हो उस पर ना लड़ें, और उस पर जो है समाजवादी पार्टी के लिए अपील कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही अभी भाजपा को टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का ये कहना है अपने ओपन लेटर के जरिए। तो दोस्तों, आप बताएं कि मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के इस ओपन लेटर से आप कितने सहमत हैं, कितने इत्तेफाक रखते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हुए हर खबर सबसे पहले पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।